नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको गुंडवाड़ा रोड, जहां पर श्री दानगिरी जी महाराज की धुनी के पास में रास्ता पूरा ख़राब है। पिछले 2-3 महीने से तो इतना ख़राब है कि लोग गया है, पूरा दलदल बन चुका है। वहां पर पानी की निकासी नहीं है, जो बरसाती पानी चलता था उसे किसी तरह से रोक दिया गया है या भराव हो रहा है, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल है। मोटरसाइकिल सवार हो, पैदल हो, रिक्शा चालक हो, बड़ी गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन छोटे छोटे चलने में तकलीफ़ हो रही है। और लोकल लोगों को भी इतनी तकलीफ़ हो रही है कि पूछो मत। गनीमत यह रही कि अभी स्कूलें बंद है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अन्यथा बहुत बड़ी परेशानी हो जाती कि वो बच्चे इस दलदल में कैसे निकलते। पानी बरसात होने पर पूरा भर जाता है, और फिर बड़े ट्रक भी चलने की सूचना मिल रही है कि वहाँ से खपसी और बजरी के ट्रक भी चलते हैं, जिससे और भी ज़्यादा सड़क ख़राब हो चुकी है। PWD विभाग और दूसरे अधिकारियों को भी अवगत करवाया, लिखित में भी, मौखिक रूप से भी, और गुंडवाड़ा व मंडार के आसपास के युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी बड़ा भारी उपयोग कर रहे हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप मैसेजेस आदि करके अधिकारियों व लोगों को अवगत करवा रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को भी, यहाँ तक कि PWD विभाग को भी अवगत करवा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने आक्रोशित व गुस्से होकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ये COVID-19 कोरोना वायरस की महामारी का जो प्रोटोकॉल नहीं होता तो हमने कभी का ये रोड जाम कर दिया होता, और आंदोलन तभी रुकता जब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होता, अन्यथा हम इस सड़क को जाम कर देते। अब ये इनकी विडंबना है कि कैसे इसको किया जाए, इसलिए वो सभी से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम यहाँ का रास्ता ठीक किया जाए, ताकि आने जाने के लिए परेशानी ख़त्म हो जाए। कुछ युवकों ने बताया कि अगर कोई बीमार हो जाता है और उसे इमरजेंसी में ले जाना होता है तो बड़ा डर लगता है, और अगर खास करके डिलीवरी केस हो तो बड़ी ही संकट की स्थिति हो जाती है कि उसे कैसे ले जाया जाए। इसलिए सभी से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस रास्ते का निराकरण करें और सड़क बनाने का काम शुरू करवाएं। धन्यवाद।